दोस्तों, मैं इससे पहले कि कोई बातचीत शुरू करूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल है आइकॉन है उसको भी थोड़ा सा टच कर दीजिए। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में खड़े हैं। ये उत्तरी भारत में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहाँ पर 3000 के करीब जो एडवोकेट्स हैं और 2500 के करीब जो प्रैक्टाइजिंग एडवोकेट हैं। तो जहाँ पर कोविड-19 के कारण अप्रैल में होने वाले चुनाव रद्द हो गए थे, लेकिन जो पुरानी बॉडी है वो अपना जैसे वैसे तो वैसे भी कोर्ट खोल रहे हैं। लोग अभी कहते हैं कि जो बॉडी है पुरानी उसकी जगह नई बॉडी का, मैनेजमेंट बॉडी का गठन किया जाए। तो इसी के बाबत आज हम फिर यहाँ बात करने के लिए हैं, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने 30 सितंबर की जो डेट फिक्स की है कि 30 सितंबर को इलेक्शन होने भी चाहिए, क्योंकि जो पुरानी बॉडी है उसकी जगह अगर नए लोग आएंगे तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। हो सकता है इस कोविड-19 में अपने नए विचार दें, वो नई बॉडी आए, नए काम करें। तो आज हम इस कोर्ट में यही विचार करने के लिए लोगों के साथ आए हैं कि इलेक्शन 30 सितंबर को होने चाहिए। किस करते हैं तो जहां पर पता चला कि 30 सितंबर को इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसके बारे आप क्या कहना चाहते हैं कि होने चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से तो इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि पुरानी एग्जीक्यूटिव जो है उसके टेन्योर ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे लिए तो ना कोई प्रेजिडेंट है ना सेक्रेटरी है, तो किसको हम कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किसको रिप्रेजेंटेटिव हमारा कोई जाए। इसलिए इलेक्शन होने चाहिए, जल्दी से जल्दी कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी बने, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कोई बॉडी बननी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि कोई बॉडी जरूर होनी चाहिए, पुरानी बॉडी थी वो अपने हिसाब से काम किया उन्होंने, लेकिन ख़त्म भी हो चुकी है, लेकिन अब जो नया उत्साह होना चाहिए काम करने के लिए, ऐसी नई टीम आनी चाहिए। जयतिका जी, आप बताइए कि ये जो इलेक्शन कहते हैं 30 सितंबर होने चाहिए, आप इनके साथ सहमत हैं? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो मेरा सिर्फ एक ही राय है, एक छोटी सी एक सजेशन भी है, एक छोटा सा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू भी है। मैं कई लोगों को ये सुनता आ रहा हूँ कि भी जो ये इलेक्शंस हैं इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन इलेक्शंस होने का मुद्दा ये है, इलेक्शन होने क्यों चाहिए, क्योंकि पहले जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारी वो उसका जो कार्यकारिणी है जो ख़त्म हो चुकी है, टाइम ख़त्म हो चुका है। और जो वो बोल रहे हैं अभी कोविड को पहले देखते हुए इलेक्शन जो वो उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए, इलेक्शन बाद में होने चाहिए, पहले कोविड को देखना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए जो एडवोकेट्स हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भी अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं बनेगी तो वो उन्हीं के आगे हम प्रेजेंटेशन दे सकेंगे जो प्रॉब्लम्स हमें फेस कर रहे हैं इस वक्त, ना कोटे खुल रही हैं ना हम काम कर पा रहे हैं प्रॉपर। जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन किसको दे जाके हम लोग, जो प्रेजेंटेशन हम उन लोगों को दे पाएंगे जिनका कार्यकारिणी जो आगे शुरू होगी, लेकिन जिनका खत्म हो चुका है हम उनको जाके कैसे प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि उनका कार्यकाल जो खत्म हो चुका है, कार्यकाल जो शुरू जिनका होगा आगे आके, तो हमें सिर्फ मुद्दा यही है कि भी आगे उनको रिक्वेस्ट करेंगे हमारी जो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व होएंगी, जो कोविड को लेके भी, कोविड को आगे जो वकीलों की अगर हेल्प भी करनी है वो भी वो कर सकेंगे, और जो कोर्टें खुलनी हैं उसके लिए भी हेल्प कर सकेंगे। सो मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट हुआ, रिक्वेस्ट भी करता हूं सबसे कि इसको पूरा समर्थन दे, और ताकि इलेक्शन हमारी हो सके और नई बॉडी आ सके, और नई बॉडी जब आएगी तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो सकेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो नई बॉडी है उसमें नया उत्साह होगा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि नई बॉडी होगी, जो कोविड-19 है उसके बारे में विचार करेंगे, जो वकीलों के पास काम नहीं है, जो कोर्ट नहीं खुल रही उनके बारे में विचार करेंगे। तो मैं वकील साहब, आप भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, हाँ अरोड़ा जी, ये बताइए कि जो ये 30 सितंबर को इलेक्शन होने वाले हैं क्या हो जाने चाहिए? सर, ये इलेक्शन होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें एडवोकेट्स को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि पुरानी एग्जीक्यूटिव का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो जो एग्जीक्यूटिव नए आएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे, तो हम उनकी प्रॉब्लम बताएंगे, तो कोविड के कारण तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, इसलिए इलेक्शन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अभी देखा है कि जो अपना पार्किंग है वहाँ पर हज़ारों व्हीकल लगे हुए हैं, और जो वकील साहबान हैं कोर्ट में आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि घर 6 महीने हो गए, घर कब तक लोग बैठेंगे? तो वकील साहब, 30 सितंबर को इलेक्शन होने की जो हमको डेट मिली है, तो आप उसके साथ सहमत हैं? जी सर, मैं उसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि प्रकृति भी चाहती है भी कोई ना कोई चेंज होनी चाहिए, समय हर तमाम बदलना चाहिए, अगर दिन है तो रात है। ये जो पुरानी कमेटी है उनका समय काल अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है, नई कमेटी आएगी, प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। कुछ किसी को कोविड के प्रॉब्लम में कई वकील तो आ ही नहीं रहे कचहरी में, अगर नवी कमेटी आएगी उनको अपना कोई मेमोरेंडम पेश करेंगे, बताएंगे प्रॉब्लम बताएंगे, तो पुरानी कमेटी तो कोई सुन नहीं रही, क्योंकि किसके पास कोई पावर नहीं है, इसके लिए इलेक्शन होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि नई कमेटी आएगी, नया उसमें
जो कि हमारे COVID-19 चल रहा है उसके बारे में विचार होंगे, नए नए काम करेंगे वो, क्योंकि पुरानी जो कमेटी है अब साल नहीं डेढ़ साल हो चुका है, तो उनका कार्यकाल तो कभी का ख़त्म हो चुका है। तो आप भी वकील साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, काफ़ी दिक्कत आ रही है कोटा में भी काम करने के लिए, कोई ना कोई चाहिए, काम नहीं कर रहे थे प्रॉपर जो हम करना चाहते हैं, और वकील को कोई हेल्प भी नहीं मिल रही है आज सरकार से, सभी लोगों को तो मिल रही है, वकील तो जहाँ पर खाना है जहाँ से करके खाएंगे और तो कोई खा नहीं सकते। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐलान किया है कि 30 सितंबर इलेक्शन करा दियो जी, करा दियो कहते बहुत सारा यानी कि उन्होंने अपना ऑनलाइन भी लोगों के डिसीजन ले सके, कहते इलेक्शन हो जाने चाहिए है, एक पास काम लगे तो बाकी जो वकील पुराने है जी कमेटी हैगी अपना रेस्ट पर जाते नवी कमेटी आगे अपना काम करे, तुम ये सहमत हो? देखो इलेक्शन तो होने ही चाहिए है क्योंकि लास्ट टाइम तो कुछ वर्क जोड़े है पेंडिंग पे है कोर्ट के जोड़े रीप्रजेंटेटिव हूँ आने ठीक है शायद उही कर सकते हैं, पुराने ने जिन्हें काम करने से अपने अकॉर्डिंग कर ले है, बट एक नवी सोच तो नवी वर्किंग पॉलिसी चाहिए हैगी, नवे ही कैंडीडेट आना पॉसीबल होएगा जी, इसलिए 100% जरूरी है कि इलेक्शन होने ही चाहिए है जी। नहीं कहते COVID-19 है वा ऑनलाइन सू अपना वोट नहीं पानी आती हैगी, सारी की गल ने ओपोजिशन कह रही है या की गल है? सर एक नॉर्मल इशू है कि इदा ना करो उदा ना करो, हूँ आप करोना करके सारे 21वीं सदी जा चुके हैं, हर एक काम स्कूल की स्टडी तो लैके जो कोई भी वर्किंग हैगी ऑनलाइन ही हो रहा है, मैनुअल वर्किंग बहुत घट चुकी हैगी, इशूज जोड़े बनाए जा रहे हैं एक जाने के डिले करने लिए कह जा सकता कि ना होने इलेक्शन वो लूप लभे जा रहे किस तरीके इस चीज़ को डिनाई किया जाए, नहीं तो हर एक चीज़ ऑनलाइन चल रही है जेडे भी आप देखी जाइए, तो इस करके टाइम बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। कहने का मतलब डिजिटल इंडिया सानू 21वीं शताब्दी वाल बढ़ना चाहिए वा, जाने की ऑनलाइन वो तो वह काम करना चाहिए वा। बिल्कुल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा बेनीफिट हो रहा है, अगर टेक्नोलॉजी नवी आ रही है तो करोना करके सारे घर बैठ के भी अगर इलेक्शन लिए इस चीज़ के प्रोसीड कर रहे हैं तो बैटर हैगा, हर एक बंद सेफ्टी रहेगी, किसी को आना नहीं पेगा, तो अपने ही घर बैठे वो इलेक्शन के वोटिंग जी कर सकते हैं। अच्छा वकील साहब दसो इलेक्शन होने चाहिए है? उन्हें बिल्कुल होने चाहिए जी, नवी हाँ नवी कमेटी आनी चाहिए जी, बिल्कुल आनी चाहिए है। COVID-19 है या वकीलों को काम काज नहीं है वो बारे अपने विचार कर आगे अपने थोड़े सलाह कर यही चाहते तो यही चाहते हैं जी, बिल्कुल चाहते हैं इलेक्शन होने चाहिए है नहीं होने चाहिए है, तो जी अपनी बार एसोसीएशन लुधियाने की है 2500 वकील है जो वोटा पाते हैं हर साल, तो कहते चेंज आनी चाहिए हैगी, असं जो नवे बंदे उन्होंने चेहरे देख लीए, तुम ये सहमत हो? बिल्कुल जी, हैडलैस बार है हर थान पर, कोई ना प्रधान है ना सैकटरी है ना कोई है, मान लो अज किसी वकील की कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम तो चली जानी है, करोना करके परसनल प्रॉब्लम कचहरी जी वकीलों की बंद नहीं ना हुई, प्रॉब्लम चली जानिया ने, पर कड़ा हैड ही कोई नहीं साडा, कोई इलेक्शन जरूर होने चाहिए, वह प्रोसीजर कोई होर अडोप्ट कर लैन ऑनलाइन की थान पर, जो ऑनलाइन प्रोपर पहले वह सारा जो भी वर्चुअल होंगे उन्होंने पहले चैक करके फिर उस तो बात कर पहले प्रैक्टिस कर लैन, क्योंकि हो जरूर इलेक्शन, मैं सहमत हाँ। देखो एक ना ATM के OTP वगैरह पैसे लोगों के लखा रुपये इधर उधर चल जाते हैं, चलो जो हैंकर है तो पैसे इधर उधर कर लेंगे, पर अपने तो इतना कोई बंदा है नहीं, तो इस कोई इतना प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली हैगी, जी कहते भी अपना ऑनलाइन जी वोटा पैदा ने, जब ATM करोड़ों रुपये इधर उधर हो जाते हैं कि यह हेरा फेरी हो सकती है? देखो ये कोई कमेंट नहीं कर सकता, हो सकता सारे ने किसी ने मैनेज किए भी होता ही शायद इलेक्शन करा रहे हो, पर इलेक्शन होने जरूरी है, तरीका कोई होर भावें हो, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए, क्यों कुछ लोग कहते हैं कि नई कमेटी आनी चाहिए, नई कमेटी आएगी तो जो वकीलों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, तो आप यही कहते हैं कि वोटिंग होनी चाहिए? हाँ जी सर, जिनकी प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ जाएंगे, किसके ऊपर जाकर रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसको कहेंगे, तो इसके लिए नया प्रधान तो होना चाहिए ना। मैडम जो नई कमेटी आती है उसमें काम करने का नया उत्साह होता है, अब देखिए अप्रैल में इलेक्शन होने थे, अप्रैल में गई तो 5-6 महीने ऊपर हो चुके हैं, अब नई बॉडी नहीं है हमारे यहाँ बार एसोसिएशन में, तो आप चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए 30 सितंबर को? हाँ जी डेफिनेटली सर होने तो चाहिए, क्योंकि कोई भी बार को चलाने के लिए आगे कोई ना कोई हेड तो होना चाहिए ना, क्योंकि इसलिए अभी इलेक्शन नहीं हुए तो होने तो चाहिए। तो इनका कहना है कि नया चेहरा हम देखना चाहते हैं, नए जो हमारे कैंडिडेट हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे बार एसोसिएशन के उनको देखना चाहते हैं, आने चाहिए 30 सितंबर को जरूर आने चाहिए। मैडम जी देखिए आप एडवोकेट हैं बार एसोसिएशन में जहाँ पर मेम्बर भी हैं और जहाँ पर काम भी करते हैं, तो 30 सितंबर को इलेक्शन होने चाहिए क्या? हाँ जी बिल्कुल होने चाहिए, इलेक्शन तो होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। वकील साहब तुम सहमत हो? हाँ जी बिल्कुल सहमत हूँ। तो ये कहते हैं कि 30 सितंबर को इलेक्शन होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, ताकि जो नए चेहरे हैं जो नए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी हम देख सकेंगे जो काम करने के लिए आगे आएंगे, तो इलेक्शन का तो हर किसी को क्रेज होता है ना, आप तो लोग वो कहता है उसको हराऊंगा, वो कहता है मैं उसको हराऊंगा, ये सब देखने के लिए तो लोग उत्सुक होते ही हैं ना, इंटरेस्टेड होते हैं, तो इलेक्शन होने चाहिए होने चाहिए। गोगना साहब यू आर सीनियर एडवोकेट, 1.5 साल हो गए जी पुरानी बॉडी सी, इलेक्शन नहीं हुए हैगे, तो COVID-19 आ गया, महामारी आ गई, कारोबार बंद हो गए, लोग घर बह गए, रोटी रोजी के लाले पै गए,
तो असं कहने भी चल नवे बंदे कोई आन तो अपना काम करन कोई फर्क नहीं पैंदा है पुराने का हूँ बेचारे पहले भी जाने COVID-19 के कारण कोई इतने आया नहीं है तो कोई काम नहीं हो तुम चाहते हो कि जो नवा कोई आना चाहिए नवे चेहरे आने चाहिए अगे हाँ बिल्कुल एज पर ला तो इलैक्शन होने चाहिए ने पर मुड़ सप्रेंडी इलैक्शन की जी है दैट मस्ट बी फेयर इस तरह की होगी जो नवी यंग जनरेशन है जिन्हें नोमीनेशन भरी हुई है वो बेचारे इन्नी देर तो उड़ीकते पे ने कि इलैक्शन हो असी अपनी मेहनत करिए अगे भी मेहनत की उन्होंने कि वह परस्यू करते पे ने बार की प्रॉब्लम्स नू सामने लैके आ रहे ने वकीलों की प्रॉब्लम सामने लैके आ रहे ने एडमिनिस्ट्रेशन के नाल जो टाई अप गल्लां होनी चाहिए वो सामने लैके आ रहे ने आई थिंक सो कि जिहड़ी भी साडी प्रेजेंट एग्जैक्टिव हैगी है कि ही इज़ हैल्पलैस उन्होंने किसी पास कुछ नज़र नहीं आता पाया कि वह की करन की ना करन तो मेरी तो यही गुजारिश है बार कौंसल नू भी तो लोकल बार नू भी तो एडवोकेट्स नू भी कि वो कोई इदा का मीडिया को इदा का वे आउट लभन कि जोड़े इलैक्शन होन ताकि नवी जनरेशन जी है उन्होंने मौका मिले।